क्या आप चाहते हो कि आपको कभी जॉइंट्स पेन ना आए? आपकी हड्डियां इतनी मजबूत हो कि कहीं आप गिर भी जाओ तो भी कोई फ्रैक्चर आपको कभी ना हो। आपका हार्ट इतना हेल्दी हो कि कभी आप दौड़ भी लगा रहे हो तो भी बहुत ज्यादा आपकी सांस ना फूले, आपको दिक्कत परेशानी ना आए, चाहे कितनी भी आपकी उम्र हो जाए, आपका हार्ट हमेशा के लिए हेल्दी रहे। कभी भी आपको थकान ना हो, किसी भी उम्र के आप हो जाओ, कोई इंसान आपको कुछ काम कहे तो आपको ऐसा महसूस ना हो कि नहीं मैं तो बहुत थक गई हूँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो एक छोटी सी कमी जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बोन्स भी खराब होने लगती है, तो वो छोटी सी चीज़ क्या है जिसके कमी के चलते हम ये समझ नहीं पाते कि इस चीज़ की कमी हो रही है और उसकी कमी के चलते बड़े बड़े इश्यू हमारी बॉडी के अंदर आने लगते हैं, यहाँ तक कि हार्ट अटैक तक की समस्या आने लगती है। तो ये छोटी चीज़ क्या है और कैसे आसानी से आप इसको दूर कर सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डायटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, वैसे तो हम अपना ध्यान रखते हैं, हम अपना विटामिन डी लेवल भी चेक कराते हैं, विटामिन B12 भी चेक कराते हैं, आयरन कितना है हमारी बॉडी में ये सब हम चेक करा के रखते हैं, कैल्शियम कितना है, ये सब मोटा मोटी हो गए तो हम इन विटामिन मिनरल्स का ध्यान रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनकी जो भरपाई है वो सप्लीमेंट के जरिए या अपनी डाइट के जरिए पूरा कर भी लेते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ एक छोटा सा मिनरल और है जिसकी कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर आ सकती है। जैसे हमें जॉइंट्स पेन हो सकता है, हमारी हड्डियाँ मुड़ रही हैं, वो भी कभी कभी जो मिनरल है ये उसकी कमी की वजह से हो सकता है। अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर रहती है, कभी कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी कभी बहुत स्लो हो जाती है, ये भी उस मिनरल की कमी की वजह से हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है तो ये भी उसकी कमी की वजह से हो सकता है। और बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे नींद ना आना, मसल क्रैम्प्स रहना, डायबिटीज़ की समस्या समय से पहले आ जाना, तो इसके लिए तैयार है कि मिनरल कौन सा है और जिसकी आपको जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी में अगर ये कमी हो रही है, ये सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो उसकी आप कमी को पूरा कर ले और आसान तरीके से। वो आसान तरीका कौन सा वो भी आपको साथ में बताऊंगी। सबसे पहले तो जान लीजिए ये छोटी सी चीज़ जिसकी कमी की वजह से इतने सारी बीमारियां हमें होने लगती है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आने लगती है, वो है क्या? वो है एक मिनरल हमारी बॉडी के लिए जो बहुत ही क्रूशियल है, वो है मैग्नीशियम। आपने सही सुना, ये है मैग्नीशियम। देखो हम हमेशा चेक में रखते हैं कि हमारा B12 कितना है, विटामिन डी कितना है, आयरन कितना है और उसकी कमी की भरपाई में हम लगे रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी आपको हजारों दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले अगर आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं, यानी थोड़ा भी आप चल लिए आपकी लेग रात में दुखने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं एक अजीब सी बेचैनी रहती है हमारी लेग्स में, किसी भी अंग में हो सकती है, ये होता है कि मसल में क्रैम्प्स आ रहे हैं। थोड़ी भी एक्टिविटी आप करते हो, कहीं आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स आते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपके मसल दुखते हैं, आपकी बॉडी में दुखन होती है, तो ये भी वजह हो सकती है कि मैग्नीशियम की कमी आपकी बॉडी के अंदर है। अब ये जो मैग्नीशियम है तो ये कितना हमें चाहिए एक दिन में, सबसे पहले तो वो जान लीजिए, फिर बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। ये हमें जैसे 420 mg पर डे एक मेल होता है उसको चाहिए एक दिन के लिए। अगर फीमेल की बात करें तो 300 से 320 mg पर डे एक औरत को चाहिए। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 350 से 360 mg पर डे उसकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है। इतना मैग्नीशियम आपको अपनी डाइट से लेना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं ये सारे आप इश्यू ना हो। अब चलिए शुरू से बात करते हैं कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से क्या सिम्टम आपको दिखाई देते हैं और क्या क्या इसको लेने के बेनिफिट हैं, वो भी आप इसी में ही सुनते जाएंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, आपका मूड उदास रहता है, आप टेंशन में रहते हैं, हर एक छोटी बात को लेकर टेंशन में आ जाते हैं, तो इसका कारण भी मैग्नीशियम की कमी हो सकता है। क्योंकि हमारी जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं जिसकी वजह से हम खुश भी होते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े नहीं होते, और कई बार ये न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से काम नहीं करते तो भी हम उदास हो जाते हैं। कैसे? हमारे दिमाग में दो न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं जिससे हम खुश फील करते हैं, एक डोपामिन सीरोटोनिन। ये कैसे एक्टिव होते हैं? जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम ठीक मात्रा में हो, अच्छी मात्रा में हो, जितना आपको चाहिए। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्टिवेट नहीं हो पाते, आपके ब्रेन में काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा उदास ऐसा महसूस करते हैं, कई बार तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है
तो ध्यान दीजिए कहीं आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी तो नहीं हो रही। याद रखिए कि हमारी बॉडी में 350 से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जब वो काम करते, 300 से भी ज्यादा एंजाइम हैं कि उनके लिए कोफैक्टर का काम करता है मैग्नीशियम। कोफैक्टर क्या चीज होती है? जैसे हम बोलते हैं ना कि एक अफसर है तो उसको एक बंदा चाहिए, परमानेंट चाहिए कि वो उसी के साथ जाएगा, उसी के साथ उसी की हेल्प से वो काम कर सकता है। अगर उसके साथ वो इंसान नहीं है क्योंकि उसको आदत हो जाती है, उसके लिए वो जरूरी भी है, वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ठीक है उसका पद तो बड़ा है लेकिन वो बिना किसी हेल्पर के काम नहीं कर पाएगा। वही काम हमारी बॉडी में जो हमारे एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं 350 से भी ज़्यादा, तो उनके लिए कोफैक्टर का काम करता है मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम की कमी में वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हजारों प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया कि आपको स्ट्रेस हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर बार बार आपके सिर में दर्द होता है, आपको हेडेक होता है, तो ये भी कई बार मैग्नीशियम की कमी की वजह से बार बार आपको हेडेक होता रहेगा क्योंकि आपकी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी नहीं आती, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी लो रहती है और जरा सा भी आप धूप में निकल गए, जरा सी भी थकान होती है आपको, तो आपको एकदम सर में दर्द आ जाता है। ये भी मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी हार्ट बीट बार बार इरेगुलर हो रही है, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, आपकी सांस फूलने लगती है और आप इसके लिए हजारों दवाई खा चुके हैं लेकिन कोई आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो ये भी होता है मैग्नीशियम की कमी की वजह से। मैग्नीशियम क्या करता है, हल्का सा आपके नर्व को डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन आसानी से होता है और आपके मसल को रिलैक्स करता है। क्योंकि मैग्नीशियम अगर आपकी बॉडी में ठीक मात्रा में रहता है तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है, क्योंकि हल्का सा नर्व को चौड़ा कर देता है और आपके मसल को रिलैक्स करता है, जिससे आपकी हार्ट बीट इरेगुलर नहीं होती। अब आप देखिए, जो हाई बीपी के पेशेंट है उनके लिए भी मैग्नीशियम एक अच्छी मात्रा में लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके की डाइट आपको लेनी चाहिए जिससे प्रॉपर मात्रा में आपको मैग्नीशियम मिल सके। अच्छा, हाई बीपी के पेशेंट है तो कहीं ना कहीं अगर बार बार बीपी आपका बढ़ रहा है, इरेगुलर हो रहा है, तो भी मैग्नीशियम की कमी आपकी बॉडी में हो सकती है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है, बहुत ही कम उम्र में आपको बोल दिया कि आप प्री डायबिटिक, अब ध्यान रखना है आपने, अगर आप इससे ज्यादा कुछ मीठा खाते हो, उल्टी सीधी चीजें खाते हो, तो आप डायबिटीज की तरफ बढ़ते जा रहे हो और आप कहते हो कि नहीं नहीं मैं तो हेल्दी डाइट भी लेता हूँ, अच्छा रूटीन फॉलो करता हूँ, फिर मेरे अंदर ये दिक्कत क्यों? तो ये भी हो सकता है मैग्नीशियम की कमी की वजह से, क्योंकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है मैग्नीशियम। जी हाँ, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या आ रही है तो उसको भी ठीक करता है मैग्नीशियम, अगर प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में है। तो अगर आप भी डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम आपको लेना ही चाहिए। अगर मैग्नीशियम की कमी लगातार चल रही है तो आप डायबिटीज के पेशेंट बन सकते हैं भविष्य में जाए। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, लिथार्जिक महसूस करते हैं, थोड़ा भी काम करने के बाद आप थके थके फील करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखो, हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें जो एंजाइम होते हैं जो कि एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए, तो ये एंजाइम जो काम कर रहे हैं एटीपी प्रोड्यूस करने का, ये बिना मैग्नीशियम के सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाते। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, तो ये कारण भी होता है मैग्नीशियम की कमी होने का। तो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं, अगर आपको बार बार मसल क्रैम्प्स होते हैं, मान लिया आप एक्सरसाइज करते हैं या चलो वॉक करके ही आ जाते हैं, रात में आपको क्रैम्प्स आने लगते हैं, यानी सोते सोते आँख खुल जाती है, आपको लगता है कि मसल्स में ऐठन आ रही है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस बढ़ रही है, या फिर आप जब सुबह उठकर चलते हो तो भी आपके मसल स्टिफ आपको लगते हैं, ऐसा लगता है पूरी बॉडी की जान खत्म हो गई, मसल दुख रहे होते हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं मैंने एक्सरसाइज कर ली, वॉकिंग कर ली, शायद इस वजह से होता है, लेकिन नहीं, अगर बहुत ज्यादा मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो ये भी मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकता है, क्योंकि आपकी मसल में जो मिनरल्स हैं और जो भी एनर्जी है उसको डालने का काम भी मैग्नीशियम करता है। हमारे सेल में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो पूरी बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, यानी पूरी बॉडी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इसी सोडियम पोटेशियम पंप से, ये सेल के अंदर होता है, तो ये अच्छे से होता रहे तो हम अच्छा फील करते हैं, एनर्जी फील करते हैं, यानी हमें लगता है अरे अरे हमें तो उधर जाना था, चलो जल्दी से जाते हैं, तो एकदम से करंट आ जाता है बॉडी में, है ना, हमें लगता है अच्छा वो गाय हमें मारने के लिए आ रही है तो हम भागने लगते हैं, ये करंट कहाँ से आ रहा है, एकदम से आता है। तो ये सेल के अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो समय के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है, लेकिन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सुस्त फील करते हैं और ये सोडियम पोटेशियम पंप ठीक तरीके से एक्टिवेट नहीं होता,
क्योंकि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होने लगती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुजुर्ग या जवान जो कि बहुत ज्यादा लिथार्जिक महसूस करते हैं, आलसी फील करते हैं या ऐसा लगता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो उनके सामने कोई गाय मारने के लिए आ जाए तो भी वो जल्दी से भाग नहीं पाते, गिर जाएंगे लेकिन भाग नहीं पाएंगे, तो उनकी बॉडी में जरूर मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बोन के हेल्थ के लिए। अगर आपकी लेग्स मुड़ रही है, बहुत सारी फीमेल्स में या बुजुर्गों में और खास करके कई बार बच्चों में भी ये चीजें देखने को मिलती है कि उनकी लेग्स मुड़ने लगते हैं, बो लेग जिसको बोलते हैं, ऐसे लेग्स हो जाती है। ऐसे अगर हो रही है तो हम लोग समझते हैं अच्छा ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है, इसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। आपकी जो बोन्स है वो मुड़ रही है, लचीली होके वो मुड़ जा रही है ऐसे, और आपकी लेग्स भी इसी तरीके की हो जाती है। बच्चों में इस प्रॉब्लम को रिकेट्स कह देते हैं, ये कहते हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से हो गई है। लेकिन विटामिन डी आपकी बॉडी में अगर है तो वो एक्टिवेट कैसे होगा? वो एक्टिवेट तभी होता है जब आपकी बॉडी में प्रॉपर मैग्नीशियम की मात्रा हो। तो ये ध्यान रखना, अगर बोन्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है, तो ये ध्यान देना कि आप प्रॉपर मैग्नीशियम भी ले रहे हैं या नहीं अपनी डाइट के, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, बोन्स में अगर दिक्कत आ रही है, जॉइंट्स पेन आ रहा है, तो हम हमेशा ये कह देते हैं कि कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, लेकिन आपको ये नहीं पता जो आपका सेल होता है उससे मिनरल निकालने के लिए, उससे कैल्शियम निकालने के लिए और आपके बोन्स में भेजने के लिए भी मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। एक चीज और ध्यान दे के सुनिए, 60% जो मैग्नीशियम होता है वो हमारी बोन्स में ही होता है। अगर आप प्रॉपर मात्रा में मैग्नीशियम खा रहे तो ये एक सोल्ट की तरह काम करता है, बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है। 60% मैग्नीशियम बोन में होता है, बाकी जो थोड़ा थोड़ा होता है वो आपके मसल टिश्यू में भी होता है, वो आपकी नर्व्स में भी होता है, और साथ में जो आपकी बॉडी में ये लिक्विड होता है ना, जो आपके जॉइंट्स के बीच में होता है एक चिकनाई वाला लिक्विड, उसमें भी मैग्नीशियम होता है। तो आप अगर अपनी जॉइंट्स की चिकनाई को बचाना चाहते हो, अपनी बोन्स को बचाना चाहते हो, सारी उम्र आप जॉइंट्स पेन से बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहे, आपको हाई बीपी की समस्या ना हो, आप डायबिटीज से दूर रहे, तो मैग्नीशियम आपको प्रॉपर अपनी डाइट से लेना ही पड़ेगा। और ये ध्यान देना कि कौन सी ऐसी डाइट है जिससे आपको प्रॉपर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम मिल सके, जिससे पूरी एनर्जी आपकी रहे, दिन भर आप चुस्त दुरुस्त रहो, और अगर आप रात में नींद नहीं आती तो भी ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकता है। और अच्छी नींद किस चीज के लिए हेल्प करती है? हर एक बॉडी फंक्शन के लिए। अगर आप वेट घटाना चाहते हो तो भी प्रॉपर नींद की आपको जरूरत पड़ती है। अगर आपका वेट जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है तो भी मैग्नीशियम की कमी आपकी बॉडी में हो सकती है, तो ये ध्यान दीजिए। अगर वेट कम करना है तो भी प्रॉपर विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में होने ही चाहिए, खास करके मैग्नीशियम। अब ध्यान ये देना है कि मैग्नीशियम की कमी हम पूरा कैसे कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, सबसे आसान तरीका है कि अपनी डाइट में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और सैलेड ऐड करो। पत्तेदार जितनी भी हरी सब्जियां होती है सबसे ज्यादा हाई मात्रा में मैग्नीशियम होता है। जितनी भी आप कच्चा सैलेड खाते हो उससे आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिल जाता है। कम से कम 3 से 5 कटोरी आप सैलेड खाना शुरू कर दो। ये पहले दिन से तो नहीं होगा, लेकिन 1 से 2 कटोरी आप रोज खाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 3 से 5 कटोरी पे आप आ जाओगे। अब आप ये चाहोगे कि अभी के लिए बता दीजिए ताकि हम कुछ चीजें ऐसी खा सके जिससे हमारा मैग्नीशियम बढ़ना शुरू हो जाए। अगर आप लिथार्जिक महसूस करते हैं और ये सारे सिम्टम आपकी बॉडी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, आपके घर में ये जो काजू है सभी के घर में रहती है और सभी लोग इसको खाना पसंद करते हैं। अब इसको ये मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ ये फैट बढ़ाती है। फैट ये तब बढ़ाएगी जब आप बाकी चीजें छोड़ के एक ही चीज पे लटके रहते हो। तो इसको लिमिट में खाइए। कैश्यू में बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम होता है, बाकी चीजें भी इसमें होती है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और गुड फैट भी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो कम से कम आप 8 से 10 काजू एक दिन में खा सकते हैं, लेकिन इसको रोस्ट करके नहीं खाना, ऐसे ही कच्चे खा जाइए। आप इससे भी ज़्यादा हाई मात्रा में होता है जो पंपकिन सीड होते हैं, जी हाँ, कद्दू के बीज जिनको बोलते हैं, तो उसमें भी एक हाई मात्रा में मैग्नीशियम होता है। तो आप रोज ये खाने में शामिल करिए अगर आप चाहते हो कि मैग्नीशियम का लेवल आपकी बॉडी में प्रॉपर रहे। नेक्स्ट, जो चिया सीड्स होते हैं, चिया सीड्स को आप यूज भी करते होंगे, बहुत ट्रेंडिंग में आजकल ये चल रहा है। तो चिया सीड्स, 1 चम्मच चिया सीड्स अगर आप डेली खाएं भिगोकर, किसी भी चीज में स्मूदी वगैरह में डाल के आप खा सकते हैं, तो इसमें भी हाई मात्रा में मैग्नीशियम होता है। देखो, जैसे मैंने बताया ना कि एक मेल के लिए 420 mg पर डे मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे नहीं कि आपने 1 चम्मच खा लिया तो पूरा हो जाएगा। सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, जैसे सैलेड भी खाना है, ये चीजें भी शामिल कर लीजिए, तब जाके आपकी वो जो क्वांटिटी है 420 की या 320 की अगर फीमेल है तो तब जाके वो पूरी होती है, ऐसी ही एक चीज़ से पूरी नहीं होगी। अब नेक्स्ट चीज़ है
बादाम, आलमंड, इनको भी 4 से 5 बादाम जो भीगे हुए रहते हैं छिलका उतार के आप डेली लेना शुरू कर दीजिए। इनमें भी एक हाई मात्रा में मैग्नीशियम होता है। अब जैसे जो लोग फिश खाते हैं, मछली खाते हैं, तो सालमन हो गया, कई तरह की मछली होती है जिनके अंदर अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। एक और नट आपको बता दूं, एक ब्राजील नट होता है जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है, लेकिन ये नट आप ज़्यादा नहीं खा सकते, 2 से 3 नट ही एक दिन में आपको खानी चाहिए, ब्राजील नट। जी हाँ, आपने ठीक सुना। बाकी जो आपके पालक होता है उसमें भी अच्छी मात्रा में जो मैग्नीशियम होता है, जितनी भी जैसे मैंने हरी पत्तेदार सब्जी आपको बताई उसमें अच्छी मात्रा में होता है। चुकंदर के जो पत्ते होते हैं, जी हाँ, चुकंदर के पत्ते में भी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। तो ओवरऑल आप समझ ही गए होंगे, जैसे पनीर आप खा रहे हैं उसमें भी अच्छी मात्रा में, टोफू आप खाते हैं उसमें भी अच्छी मात्रा में, योगर्ट, दही आप वो ले लीजिए उसमें भी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि वैसे तो सभी फूड में रहता है, केले में भी रहता है, जो नॉर्मल केला आपके घर में पड़ा ही रहता है आप खाना पसंद नहीं करते, उसमें भी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम है। बस आपको खाना चाहिए और एक लिमिट में खाना है, डेली बेसिस पे खाइए आप इन चीज़ों को, आपकी मैग्नीशियम की कमी डेली पूरी हो जाएगी, आपको ये दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आपका हार्ट भी हमेशा हेल्दी रहेगा, ये अपनी बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और रात में अच्छी नींद आएगी, एकदम चुस्त दुरुस्त आप फील करोगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।